अस्तु शास्त्र के अनुसार घर में नए साल का कैलेंडर लगाते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कैलेंडर से जुड़े इन नियमों का ध्यान न रखने पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, नया साल शुरू हो के बहुत दिन हो चुके हैं। नए साल में हम कई चीजों के साथ नया कैलेंडर भी लाते हैं, जिसे घर के साथ ऑफिस में भी लगाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कैलेंडर व्यक्ति की तरक्की और स्वास्थ्य पर काफी असर डालता है। नए साल में सही दिशा में कैलेंडर लगाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में खुशियां आती है। लेकिन कई बार कैलेंडर लगाते समय लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण कई मुश्किलों का सामना करते हैं। अगर आप यह नया साल खुशियां और सुख समृद्धि से बिताना चाहते हैं, तो जानिए नया कैलेंडर लगाते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने घर में रखा हुआ पुराना कैलेंडर हटाना होगा। कई लोगों की आदत होती है कि नए साल में कैलेंडर पुराने कैलेंडर के ऊपर ही लगा देते, या फिर पुराना कैलेंडर फेंकने के बजाय संभाल कर रख लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष बढ़ता है और उस घर में रहने वाले सदस्यों के स्वास्थ्य और तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए अगर कैलेंडर में भगवान आदि बने हैं तो जल में प्रवाहित कर दें। आइए जानते हैं कि किस दिशा में लगाएं कैलेंडर। वास्तुशास्त्र के अनुसार कैलेंडर पश्चिम दिशा में लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिशा को बहाव की दिशा माना जाता है। पश्चिम के अलावा कैलेंडर को उत्तर दिशा की ओर लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिशा का स्वामी भगवान कुबेर को माना जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं किस दिशा में न लगाएं कैलेंडर। वास्तुशास्त्र के अनुसार कैलेंडर दक्षिण दिशा की ओर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे भी समय का सूचक माना जाता है। दक्षिण दिशा में लगाने से घर के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। वास्तु के हिसाब से घर के दरवाजे के पीछे कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के पास भी कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए, इससे घर के सदस्यों की तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कैलेंडर ऐसी जगह बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए जहां पर तेज हवा से कैलेंडर उड़े, क्योंकि कैलेंडर के उड़ने से तरक्की पर बुरा असर पड़ता है।